सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या का मामला। माली समाज ने दिया ज्ञापन, हत्यारों को फांसी दो। मकड़ाई समाचार। मध्य प्रदेश में इन दिनों नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार एवं हत्या के मामले होने का नाम ही नहीं रुक रहे हैं। पिछले दिनों जिला साजापुर के सुजालपुर तहसील के गांव नरोला में फूल माली समाज की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या का मामला हुआ था, जिससे समस्त माली समाज में काफी आक्रोश है। उक्त घटना को लेकर माली समाज ने बड़ी संख्या में समाज जनों ने रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक न्यायालय में निर्णय कर उक्त सभी को फांसी की सजा दिलाई जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समाज जन की रैली में बड़ी संख्या में महिला पुरुष व बच्चे हाथ में तख्ती लेकर हत्यारों को फांसी की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। खातेगांव तहसील से कैमरा पर्सन अनिल धनगर के साथ सुनील जैन की रिपोर्ट। सारंगपुर सुजालपुर थाना क्षेत्र की जो 17 वर्षीय नाबालिग बालिका थी, उसको वहाँ के मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों ने साथ में गैंगरेप कर अपहरण करके जो उसकी हत्या कर दी है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ की जगह ये ज्ञापन दिया गया है, उनको फांसी हो और जो बाकी कातिल बचे हैं उनको भी प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार। साजापुर जिले का नरोला गांव की एक लड़की का मैटर है, जहाँ मुस्कान नाम की लड़की का रेप हो गया है, तो उनका गैंग रेप हुआ है, तो हम बस यही चाहते हैं कि उन्हें उन हत्यारों को फांसी की सजा मिले।